नमस्कार छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको हिंदी द्वितीय आमोदनी का पाठ आठ प्यारे और निराले जीव जो कि पत्र रूप में लिखा गया है कक्षा सात का पढ़ाने जा रही हूँ। प्रिय छात्रों, जैसा कि सामने आप एक चित्र देख रहे हैं, वन बचाओ जीवन दान पाओ। प्रस्तुत चित्र में आप देख रहे हैं एक वन्य जीवन। वन्य जीवन अर्थात जंगलों में चलने वाला अपने आप में जो जंगली पशुओं का जीवन है, चक्र है, वह इसमें आप देख रहे हैं कि एक हाथी है, एक शेर है, चीता है, बाघ है और भालू, मोर तथा कुछ अन्य जीव जंतु हैं। ये सभी जीव जंतु जंगल में खुले जंगल में घूमते रहते हैं। ये एक दूसरे को खाते हैं और इस प्रकार से जो जंगली जीवन है वह चक्र चलता रहता है। एक दूसरे को खाना और प्रजनन के दौरान बच्चों को पैदा करना, इनके एक सामान्य क्रिया होनी चाहिए जो कि अब मनुष्यों द्वारा छीन ली गई है। अर्थात जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, दिनों दिन मोरों की संख्या काफी कम हो गई है। हाथी, शेर, चीते, बाघ, इनकी संख्या भी दिनों दिन बहुत कम होती जा रही है। इन सब के कम होने के कुछ मुख्य कारण हैं जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में हम जिन कारणों पर चर्चा करेंगे उनमें से एक कारण है वनों का मनुष्य द्वारा काटे जाना। मनुष्य को अपने रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है तथा वस्त्र इत्यादि की आवश्यकता होती है जो मुख्यतः हमें पेड़ों से प्राप्त होती है। आवास के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती है तो हम जिस भूमि पर पेड़ लगे होते हैं उन्हें निरंतर काटते जा रहे हैं। दूसरी आवश्यकता हमारे खान पान की है। जब हम रहने के लिए जमीन ढूंढ रहे हैं, भूमि ढूंढ रहे हैं तो पेड़ों को काट रहे हैं और इस प्रकार से जो फसलें हैं उनको उगा रहे हैं और मनुष्य उन फसलों को काट कर अपना पेट भर रहा है। इन्हीं पेड़ों से हमें औषधियां भी प्राप्त होती हैं और सबसे बड़ा कारण है कि इन वनों से हमें वन्य जीवन तथा प्राकृतिक बारिश वर्षा मिलती है जो कि अब दिनों दिन कम होती जा रही है क्योंकि हम भूमि को मरुस्थल बनाते जा रहे हैं। प्रस्तुत चित्र में आप देख रहे हैं कि कुछ नौकाएं चल रही हैं और जिसमें पर्यटक आनंद ले रहे हैं। एक ओर यह अच्छा है कि मनुष्य प्रकृति के बीच में जुड़े, प्रकृति से जुड़े, लेकिन दूसरी ओर यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि मनुष्य उन जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाए जो उस जल के भीतर अपना संपूर्ण जीवन बिताते हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप प्रस्तुत चित्र में देख रहे हैं कि मनुष्य अपने रहने के लिए जंगलों को काटते जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कुछ भूरे रंग की झोपड़ियां सी दिखाई दे रही होंगी। अर्थात मनुष्य अपने रहने के लिए जो उसको और साधन चाहिए जैसे पशु इत्यादि जो उसके काम के हैं वे उन्हें पालना भी शुरू कर देता है और इस प्रकार से वह जंगलों को निरंतर काटते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य केवल अपने रहने के लिए ही
इन वनों को काट रहा है। इन वनों से हमें बहुत ही कीमती औषधियां प्राप्त होती हैं तथा कई घरेलू फर्नीचर भी हम लकड़ियों के ही बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्यापार के लिए भी इन वनों का हनन होता जा रहा है। प्रिय छात्रों, जैसा कि सामने के चित्र में आप देख रहे हैं, वन बचाओ जीवन दान पाओ। प्रस्तुत चित्र में हम देख रहे हैं कि कुछ बंदर एक घर के अंदर फ्रिज से कुछ सामान निकाल रहे हैं और उन्होंने अपने आसपास वह सारा सामान फैला दिया है। बच्चों, ये बंदर इस घर के अंदर क्या कर रहे हैं? जरा सोचिए, इन बंदरों को शहरों में लाने के लिए किसने प्रेरित किया होगा? ये बंदर जो जंगल में उन्मुक्त पर्यावरण में खेलते कूदते, वे आज मनुष्य के घर के अंदर घुसकर उनके फ्रिज से सामान निकालकर खा रहे हैं। ये एक ओर बहुत ही हास्यास्पद चित्र है, परंतु दूसरी ओर यह सोचने का विषय भी है, क्योंकि मनुष्य ने बंदरों के स्थान अर्थात जंगलों को काट डाला है, तो ये वन्य जीव अब कहां जाएं? इसलिए इन्होंने भी मनुष्य के घरों पर हमला करना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पर आपके पत्र की शुरुआत हो रही है, अर्थात आपका जो पाठ है उसे मैं पढ़ने जा रही हूँ। इस पाठ को आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर आपको पाठ में एक एड्रेस अर्थात पता दिखाई दे रहा है, जो F96/2 अशोक नगर श्रीनगर, जिसकी दिनांक 15/3/2014 को लिखा गया है। यह पत्र लिखने वाले ने अपना पता इसमें लिखा है। सर्वप्रथम हम किसी भी पत्र को लिखने से पहले उसके अंदर अपना पता लिखते हैं, अर्थात पत्र को लिखने वाला पत्र में सर्वप्रथम अपना पता लिखता है। यह पत्र राकेश नाम के व्यक्ति को लिखा जा रहा है। प्रिय राकेश, ढेर सारा प्यार। आशा है कि घर में सब कुशल मंगल होंगे। पिछले पत्र में तुमने लिखा था कि घर में बंदर घुस आए थे और उन्होंने किस तरह फ्रिज खोलकर फल सब्जियां खा ली थीं। पहले तो पूरा किस्सा पढ़कर मुझे हंसी आई, लेकिन दूसरे ही पल मैं सोचने लगा कि आखिर ये बंदर ऐसा क्यों कर रहे हैं? जंगल और पेड़ पौधे छोड़कर ये हमारे घरों में क्यों घुस रहे हैं? प्रिय छात्रों, इसमें पत्र के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि यह एक बहुत ही दुखद समाचार है हम सभी के लिए कि दिनों दिन हमारे वन्य जीव जंतु कम होते जा रहे हैं। आप भी थोड़ा इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे। तुम्हें शायद पता होगा कि 4 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि हमारा ध्यान जीवों की ओर जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि इन प्यारे और निराले जीवों के साथ लगातार क्रूरता का व्यवहार किया जा रहा है। शहरों की गलियों में भूखी गायें, कूड़ा करकट, पॉलीथीन के थैले और पैकेट
खा रही हैं। इतना ही नहीं, पृथ्वी पर कई जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो रही हैं, बल्कि कई प्रजातियां तो लुप्त भी हो चुकी हैं। They are dead as dodo, मतलब वे भी उसी तरह मर चुके हैं जैसे डोडो। पर क्यों, क्या तुम बता सकते हो? प्रिय छात्रों, डोडो एक पक्षी है जो कि अब दिखाई भी नहीं देता। वह बिल्कुल लुप्त हो चुका है और इसका कारण इस पाठ में भी दिया गया है। इस पाठ के माध्यम से कई और जीव जंतुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करवाया जाएगा कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो अब लुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर आ चुकी हैं। उन्हीं में से एक है डोडो पक्षी। जानते हो अभिनव, डोडो एक पक्षी था। वह कबूतरों की बिरादरी से था, लेकिन बतख से भी बड़ा और भारी। वह उड़ नहीं सकता था। मॉरिशस और हिंद महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में वे बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन सन 1507 में वहां पुर्तगाली लोग पहुंचे और उन्होंने भोले भाले डोडो को मार मार कर खाना शुरू कर दिया। कितने दुख की बात है कि सन 1681 में डोडो का नामो निशान इस दुनिया से मिट गया। आज तुम किताबों में केवल उसका चित्र देख सकते हो। प्रिय छात्रों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। यह डोडो नामक पक्षी का है। यह देखिए, आप देख रहे हैं कि यह बतख की तरह दिखाई देता है और कबूतर की तरह भी लग रहा है, ठीक है? तो अभी हमने पढ़ा था कि डोडो पक्षी क्यों खत्म हो गए हैं और कब ये खत्म होने के कगार पर आए, ठीक है? इस 1681 में इनका नामो निशान भी दुनिया से मिट गया। आज हम इन्हें सिर्फ किताबों में देख सकते हैं और अब यह हमें कहीं भी ये दिखाई नहीं देंगे। प्रिय छात्रों, ऐसे ही कुछ विलुप्त होते जानवर हमारे सामने दिए हुए हैं, जिनमें से चीता, बाघ और शेर। ये कुछ ही उदाहरण हम आपको इस पाठ के माध्यम से बता रहे हैं, अन्यथा कई जातियां विलुप्त हो चुकी हैं, कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं और हमारा ध्यान इस ओर अभी जा ही नहीं रहा। हम निरंतर इन्हें आघात पहुंचा रहे हैं, वनों को काट रहे हैं, अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। इसी तरह हमारे देश में एक बहुत सुंदर प्राणी है चीता, लेकिन मनुष्य जाति ने उसे भी लगभग नष्ट कर दिया है। जानते हो क्यों? बस शिकार खेलने के बर्बर शौक के लिए और उसकी सुंदर खाल के लिए। शेर और बाघ भी बुरी तरह मारे जा रहे हैं। हमारे आसपास आज तमाम प्राणियों का जीवन संकट में है। प्रिय छात्रों, हम सामने एक चित्र देख रहे हैं जिसमें चीता, बाघ और शेर हैं। ये इनके संरक्षण के लिए भारत में अब कई नियम बना दिए गए हैं, फिर भी अभी भी शिकारी इनको शिकार करके बाहर विदेशों में इनकी खाल, इनके दांत, इनके नाखून इत्यादि का व्यापार करते हैं। पर मनुष्य यह नहीं जान रहा कि अपने छोटे से लोभ के कारण वह वन्य जीवन की कितनी बड़ी संपत्ति को हानि पहुंचा रहा है। ये शेर, बाघ, चीते और यह संपूर्ण वन्य जीवन हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो पृथ्वी में संतुलन बनाने का कार्य है, वे ये भी करते हैं। इनका
हमारी प्रकृति को संतुलित करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ पर कुछ जीव दिए जा रहे हैं जिनका जीवन अभी खतरे में है। इसी तरह हमारे देश में एक बहुत सुंदर प्राणी है चीता, लेकिन मनुष्य जाति ने उसे भी लगभग नष्ट कर दिया। जानते हो क्यों? बस शिकार खेलने के बर्बर शौक ने, और उसकी सुंदर खाल के लिए और उसके आसपास के तमाम प्राणियों का जीवन भी अब संकट में है, क्योंकि हमारे देश का एक सींग वाला गैंडा भी अब गायब हो गया है। सिक्किम के जंगलों में रहने वाले सुंदर लाल पांडा का जीवन भी अब संकट में है। हमारे आज आसपास आज तमाम प्राणियों का जीवन क्या होता जा रहा है? संकट में आता जा रहा है, जिनमें से कुछ उदाहरण स्वरूप यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एक सींग वाला गैंडा। इस गैंडे की खासियत है कि इसके नाक के ऊपर एक सींग होता है, जैसे सुंदर लाल पांडा जो कि अब दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार से मनुष्य को अपने चारों ओर विलुप्त होती हुई या संख्या में दिनों दिन घटते हुए जानवरों की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रिय छात्रों, यह सामने जो चित्र है यह लाल पांडा का है जो सिक्किम के जंगलों में पाया जाता था। अब यह भी विलुप्त होती जातियों में से एक है। प्रिय छात्रों, इसी प्रकार यहाँ पर कुछ अन्य जानवरों के नाम भी दिए जा रहे हैं जो विलुप्तावस्था में आ गए हैं। उनमें से हैं हिमालय के भूरे भालू, कच्छ के जंगली गधे और रेगिस्तानी बिल्लियां, गंगा की सौंस वाली डॉल्फिन, मगरमच्छ, हिंद महासागर के जीमड़ कछुए, अंडमान और गुजरात के सागर तटों के हरे कछुए, घड़ियाल, अजगर, सभी का जीवन खतरे में है। मन मोह लेने वाले मोर भी मारे जा रहे हैं। पर्यावरण की सफाई करने वाले गिद्ध भी आज आसमान में नजर नहीं आते। प्रिय छात्रों, जैसा कि यहाँ पर कुछ जानवरों और पक्षियों के नाम बताए गए हैं, तो मैं बता दूं आपको कि जो ये गिद्ध होता है, यह जो प्राणी मर जाता है उनको ये खा जाते थे। उससे क्या होता था, पर्यावरण अपने आप ही साफ हो जाता था। यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं यह एक चौसिंगा मृग है। आप जैसे देख सकते हैं कि इसके सिर पर चार सिंग होते हैं। यह मृग भी अब विलुप्त हो रहे हैं। सामने आप देख रहे हैं एक चित्र जिसमें रेगिस्तानी बिल्ली है। ये रेगिस्तानी बिल्लियां अपनी आंखों के प्रकाश की वजह से जानी जाती थीं। इनका आंखों का प्रकाश बहुत ही खूंखार होता था, जिन्हें देखकर व्यक्ति डर जाता था और भयभीत होकर मर जाता था। यह बहुत ही खूंखार बिल्लियां कहलाती थीं। ये भी अब विलुप्त होती जा रही हैं। सामने आप जो एक चित्र देख रहे हैं यह जंगली गधा गोखर है। यह जाति भी अब विलुप्त हो चुकी है। तो चित्र में आप देख रहे हैं कि गिद्ध का चित्र है। यह गिद्ध पर्यावरण को साफ करने में बहुत मददगार होते थे। यह पक्षी जो मृत जीव होते थे उनको खाया करते थे। ये झुंड में आया करते थे, परंतु लोगों के शिकार के शौक ने इस अच्छे पक्षी को भी, जो पर्यावरण की सफाई प्राकृतिक रूप से कर दिया करता था, उसको भी अपने बर्बर शौक के कारण, शिकार के कारण, इसको भी विलुप्त जातियों में ला खड़ा किया है। सामने चित्र में आप देख रहे हैं यह मगरमच्छ है। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि मगरमच्छ और घड़ियाल दिखने में एक से लगते हैं, परंतु ये दोनों ही अलग जीव हैं। जो मगरमच्छ होता है उसका जबड़ा, जैसे कि आप देख रहे हैं, बहुत चौड़ा होता है और इसका आगे का मुंह भी गोलाकार में होता है। यह भी एक बहुत खतरनाक जानवर है जो कि
दलदल में रहता है। दलदल अर्थात जो कीचड़ वाले स्थान पर अधिक रहता है, और तैरते वक्त सिर्फ इसकी आंखें ही ऊपर दिखाई देती हैं, और यह पूरे मनुष्य को निगल सकता है। परंतु इस जीव की विशेषता यह है कि यह पानी में रहने वाले जानवरों को खाया करता था, जिससे कि पानी में रहने वाले जो जीव हैं, उनमें संतुलन बना रहता था। अब ये भी मनुष्य ने अब इसकी खाल के लिए, इसके दांतों के लिए, और इसको भी व्यवसाय के लिए काम करते जा रहे हैं। अर्थात यह जाति भी विलुप्तावस्था के कगार पर खड़ी है। यह चित्र सामने घड़ियाल का है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि घड़ियाल के जो जबड़े होते हैं वे सकरे होते हैं, पतले होते हैं, और इसका मुंह पतला और लंबा होता है। यह भी सारा काम मगरमच्छ की तरह ही करता है, परंतु यह घड़ियाल और मगरमच्छ एक ही प्रजाति में आया करते हैं। ये भी अब विलुप्त होने की अवस्था में आ चुके हैं। यहाँ सामने हम एक मोर की तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें देख रहे हैं इतना सुंदर मोर पंखों को फैलाए हुए हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मोर की हत्या होती जा रही है, और अब हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर भी विलुप्त होने की अवस्था में आ गया है। यह बहुत ही खेद का विषय है, हमें इस पर गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए। यह छात्रों ऐसा नहीं है कि इन वन्य जीवन के संरक्षण के लिए कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं या कोई नियम कानून नहीं बन रहे हैं, परंतु आज हमें आवश्यकता है एक निश्चय की कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को संतुलित अवस्था में रखेंगे। यह हमारा दायित्व होना चाहिए, यह हम सबको अपने कर्तव्य की तरह निभाना चाहिए। आज वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई अभयारण्य बनाए गए हैं। भारत मेरा देश है, जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना, और WWF जैसी संस्थाएं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कार्यरत हैं। इसके साथ ही प्रत्येक देश के नागरिकों का भी यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों के संरक्षण में पूर्ण भागीदारी दें, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां क्या करें, स्वस्थ और सुंदर पर्यावरण का लाभ उठा सके। अन्यथा हमारी आने वाली पीढ़ियों को यह पता ही नहीं होगा कि कभी यहाँ पर वन्य जीव जंतुओं में कुछ ऐसे जानवर भी थे जो आज विलुप्त हो रहे हैं। यहाँ पर एक पार्क दिखाया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि सामने पहाड़ है, और जो लोग हैं कुछ व्यायाम कर रहे हैं, कोई बैठा हुआ है, और एक बालक अपने बस्ते के साथ या अर्थात पुस्तकें पढ़ने के लिए भी इस स्वस्थ पर्यावरण में आया हुआ है। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है जो पिंजरे में पक्षियों को रखता था, और उसने उस पक्षी को स्वतंत्र कर दिया है। यह देखकर ये जो एक लड़की आपको सामने दिखाई दे रही है, वह बहुत खुश है, और वह उस बच्चे को बता रही है कि पक्षियों की असली सुंदरता प्रकृति की गोद में है। इनके स्वतंत्र भ्रमण से प्रकृति हमें और भी सुंदर दिखाई देती है। फिर वो बच्चा जिसने पिंजरे में अभी तक एक पक्षी को रखा हुआ था, वह उसे उड़ा देता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं इस पक्षी को स्वतंत्र कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई लोगों के शौक होते हैं कि वो पक्षियों को, जैसे तोता हो गया और कई प्रकार के पक्षी हैं जिनको पिंजरे में रखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन ये काफी हद तक सही नहीं है, क्योंकि वो भी हम उनको पिंजरे में बंद रख रहे हैं। और हमने अभी एक कविता भी पढ़ी थी अपने, कि जिसमें पक्षी को बहुत बुरा लगता है कि उसको पिंजरे में रखा जाता है,
और वो कहता है कि मुझे मैं तो पूरा स्वतंत्र रूप से घूमने वाला हूँ, और मुझे इस तरह लोग अपने आनंद के लिए किसमें बंद कर देते हैं, पिंजरों में बंद कर देते हैं। जो कि कविता थी हमारी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, तो ये पक्षियों के ऊपर ही लिखी गई थी कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, यदि आपको ध्यान हो तो। ये है सब जो कविता के माध्यम से भी लिखी गई हैं, ये पक्षियों के मन की बातें हैं। उन्हें स्वतंत्र रहना बहुत पसंद है। ठीक, तो हमें किसी भी पक्षी को पिंजरे में नहीं रखना चाहिए अपने शौक के लिए, अपने आनंद के लिए, और इसी प्रकार से किसी भी पशु को भी नहीं रखना चाहिए। कई लोग हैं खरगोश को रखते हैं, तो इन्हें नहीं रखना चाहिए। इनका जीवन जहां खुले आसमान के नीचे हो, इन्हें वहीं स्वतंत्रता से जीने देना चाहिए। भारत में एक विलुप्त होती हुई जाति है, एक सींग वाला गैंडा। ये भारत में पाया जाने वाला एक जानवर था और अब यह गायब होता जा रहा है। इसकी प्रजाति भी जो है वो विलुप्त होने के कगार पर आ गई है। यह चित्र भारतीय गैंडे का है, जो नाक पर एक सींग के लिए बहुत ही विश्वविख्यात है। यह बहुत ही भारी वजन का होता है। इसकी जो चमड़ी होती है वह बहुत मोटी होती है, लेकिन यह जानवर जो है, इसकी जो त्वचा होती है, जो खाल होती है इसकी, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। तो ये क्या करता है, हर समय पानी में ही रहता है, और इसका वजन कई टनों में होता है, और यह बहुत हानिकारक भी है। यह अपने शत्रु को मारने में बहुत सक्षम है, लेकिन अपने भारी वजन के कारण यह अति तेज, बहुत तेज दौड़ नहीं सकता। जिस तरह चीता, शेर, बाघ ये सब दौड़ने में बहुत माहिर होते हैं, यह दौड़ नहीं सकता क्योंकि इसका वजन अत्यधिक होता है। अब हम देखते हैं कि प्रकृति में संतुलन होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन यह संतुलन बनाएगा कौन? यह संतुलन है पेड़ पौधों के बीच में, मनुष्य के बीच में, और जीव जंतुओं के बीच में, जो हमारे जानवर हैं, जो हमारे पक्षी हैं, जो हमारे जलीय जीव जंतु हैं, अर्थात पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, वे सभी, हम सबसे मिलकर यह प्रकृति बनती है। और इस प्रकृति में संतुलन हम सभी को बनाए रखना पड़ता है। तो इस प्रकृति में तो अपने आप ही संतुलन होने के लिए कई चीजें उपलब्ध हैं, परंतु सबसे बड़ा जो इसमें घातक है वह है मनुष्य। मनुष्य के अंदर ही बुद्धि है सर्वोपरि, ठीक है, लेकिन वही अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत कामों में करने लगा है। अब यहां पर दिया गया है, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। यह संतुलन एक बार भी बिगड़ता है तो उसमें अनेक समस्याएं पैदा हो जाएंगी, जैसे मांसाहारियों की तबाही से शाकाहारियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसका प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ेगा। और तुम तो जानते ही हो कि जंगल तथा पेड़ पौधे मनुष्य के लिए कितने आवश्यक हैं। ये हम सभी जानते हैं क्योंकि हम सब ने पढ़ा हुआ है कि पेड़ पौधों से वर्षा होती है, और जो बहुत अत्यधिक वर्षा जब हो जाती है तो उसमें जब बाढ़ आने का डर होता है, तो उस बाढ़ को भी जो कम करते हैं वे पेड़ पौधे करते हैं। तो इस प्रकार से पेड़ पौधे हमारी प्रकृति को बहुत संतुलन में रखते हैं। उसमें पलने वाले जीव जंतु, वे अपने ही एक उनका जो खाद्य श्रृंखला होती है, उनकी खाने का जो एक चेन होती है, फूड चेन, उसके माध्यम से वो प्रकृति को संतुलन में रखते हैं। यहाँ पर आपको अब अभ्यास कार्य दिखाई दे रहा है। यह पाठ पूरा समाप्त हो गया है और अब आपको यहाँ पर दिए गए शब्दों में जो सही शब्द हैं उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला है, सभी जीव प्रकृति में डैश बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। अब सभी जीव प्रकृति में क्या बनाते हैं? बैलेंस, संतुलन। दूसरा है, मॉरिशस और डैश के तमाम अन्य द्वीपों में डोडो पाए जाते थे। हमने पाठ के माध्यम से पढ़ा था कि डोडो मॉरिशस और हिंद महासागर के तमाम अन्य द्वीपों में पाए जाते थे, तो यहाँ पर आएगा हिंद महासागर। तीसरा है, विश्व पशु दिवस डैश को दुनिया भर में मनाया जाता है। वह तिथि है 4 अक्टूबर।
अक्टूबर। चौथा है, हमने जंगलों का डैश कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य अपने रहने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने घर को सजाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करता है, तो इन सब में और जंगलों से प्राप्त होने वाली चीजों का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है, तो इसके लिए वो जंगल काट रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं? जंगलों का विनाश। तो यहां पर आएगा विनाश। आपका अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यहां पर कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से आपको सही को चुनकर लिखना है। पहला है, बंदरों ने फ्रिज खोलकर क्या खा लिया? हमने पाठ के माध्यम से पढ़ा था कि फल और सब्जियां। दूसरा है, डोडो कौन था? आप सब जानते हैं कि डोडो एक पक्षी था जो कबूतर की तरह दिखता है, कबूतर की प्रजाति से आता है और दिखता कैसा था? जैसे कि एक बतख, लेकिन उसकी खासियत क्या थी कि वह उड़ नहीं सकता था। तीसरा है, सिक्किम के जंगलों में रहने वाले किस प्राणी का जीवन खतरे में है? वो है लाल पांडा, जिसका कि मैंने आप लोगों को चित्र भी दिखाया था कि एक छोटा सा लाल रंग का जानवर जिसकी भारी भरकम सी पूंछ थी, वह था लाल पांडा। ये कहां पाया जाता था? सिक्किम के जंगलों में, जो कि अब विलुप्त हो गया है। नामक पक्षी का नामो निशान इस दुनिया से कब मिट गया था? सन 1681 में। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कहां रहते थे? मॉरिशस और हिंद महासागर में के द्वीपों में पाए जाते थे और 1507 में पुर्तगाली लोग पहुंचे थे और उन्होंने क्या करा था? भोले भाले डोडो को मार मार कर खाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 1681 तक ये पूरी तरीके से खत्म हो गए। प्रश्न नंबर चार है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, बंदर घर में घुसकर फल और सब्जियां खा गए थे, बिल्कुल सही। दूसरा, मनुष्य ने ही जीवों का दुनिया में जीना दूभर किया हुआ है, बिल्कुल सही। तीसरा, 4 अक्टूबर का दिन दुनिया भर में विश्व जीव कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही। चौथा है, सन 1681 में पुर्तगाली लोगों ने भोले भाले डोडो को मारकर खाना शुरू कर दिया था, गलत। 1681 तक तो वे खत्म भी हो गए थे, ठीक है, इसलिए यह गलत है। भाषा बोध, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है समस्या, इसका विपरीत विलोम उल्टा शब्द होगा समाधान। समस्या किसे कहते हैं? समस्या हम परेशानी को कहते हैं और समाधान उसके निराकरण को कहते हैं। दूसरा है आवश्यक, आवश्यक का अर्थ होता है जरूरी, उसका उल्टा है, विपरीत शब्द है अनावश्यक। तीसरा है विनाश, विनाश का अर्थ होता है खत्म कर देना और इसका विलोम शब्द होगा निर्माण या सृजन। क्रूरता, क्रूरता का अर्थ होता है बहुत ही क्रूर तरीके से, दुष्टतापूर्वक और निर्दयी होकर, तो इसका है दयालुता। पांचवा है संतुलन, जिसका विलोम शब्द है असंतुलन। पूर्ण, अपूर्ण, और इस प्रकार से आपके निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द पूरे हो गए हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। यहाँ पर आप कुछ वाक्य देख रहे हैं, कुछ शब्द देख रहे हैं जिनको आपको पढ़ना है और उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे पहला है अधिनियम, भारत पहला देश है जहां वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना। दूसरा, कार्यालय अर्थात ऑफिस, मेरा कार्यालय रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। तीसरा है पर्यावरण, हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी पूर्ण भागीदारी दें। चौथा है नष्ट, मनुष्य वनों को अंधाधुंध नष्ट कर रहा है। पांचवा है क्रूरता, मनुष्य की क्रूरता के कारण कई जीव जंतुओं की प्रजातियां आज पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी हैं। अब नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करके अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला है अगम,
अगम का अर्थ होता है जहां पहुंचा ना जा सके। दूसरा है दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। नेक्स्ट अनुरोध, अनुरोध का अर्थ होता है बराबर वालों से निवेदन करना, प्रार्थना जो ईश्वर या अपने बड़ों से हम निवेदन करते हैं। तीसरा है पुत्र, अपना बेटे को पुत्र कहा जाता है, जबकि किसी के भी बेटे को बालक कहा जा सकता है, किसी भी लड़के को। चौथा है व्यय, जो सामान्य खर्च होते हैं उन्हें हम व्यय कहते हैं, और अपव्यय जो हम फिजूल खर्च करते हैं, जो खर्चे हमारे आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते उन्हें हम फिजूल खर्च कहते हैं या अपव्यय कहते हैं। स्वागत, किसी प्रिय के आगमन पर उसका आदर पूर्ण जो सत्कार किया जाता है उसे स्वागत कहा जाता है, और अभिनंदन जो सम्मान पूर्वक किसी को हम स्वागत करते हैं उसको अभिनंदन कहते हैं। परीक्षक, जो परीक्षा लेने वाला होता है उसे परीक्षक कहा जाता है, और निरीक्षक जो देखभाल करने वाला होता है उसे निरीक्षक कहा जाता है। इसी के साथ आपका यह प्रश्न समाप्त हो गया है, और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अपने आप इन वाक्यों का प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्द लाल रंग में दिए गए हैं, उन्हीं के अर्थ काले रंग में दिए गए हैं। जैसे बिरादरी अर्थात समान जाति का, विनाश नष्ट किया जाना, निर्भर जो दूसरे के सहारे हो, बर्बर असभ्य जंगली, भागीदारी हिस्सेदारी, कुशल मंगल ठीक ठाक, वृद्धि बढ़ोतरी, तमाम सारा, कार्यरत काम में लगा हुआ, वन्य वन में रहने या पैदा होने वाले, क्रूरता दया के बिना, पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण। देखिए ये शब्दार्थ पहले आपको, सबसे पहले आपको यही याद करने होते हैं जब आप किसी भी पाठ को पढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आपको किसी पाठ के शब्दार्थ याद नहीं होंगे तब तक प्रिय छात्रों आपको उन शब्दों के अर्थ पता नहीं लगेंगे, और उस पाठ में जो भावना कवि की है या लेखक की है वह आप तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन शब्दों के अर्थों को अच्छी तरह याद कर लेंगे। यहाँ पर लिखे प्रश्न दिए गए हैं जो आपको अपनी कॉपी पर करने होते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला लिखित प्रश्न है, बंदरों ने क्या और क्यों किया? दूसरा, जीवों का जीना दूभर करने वाले कौन हैं? तीसरा, विश्व जीव कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? चौथा, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करते हैं? प्रिय छात्रों, यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं। पहला है, बंदरों ने क्या और क्यों किया? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था, बंदर घर में घुस आए तथा उन्होंने फ्रिज खोलकर फल सब्जियां खा ली थी। पेड़ नष्ट होने तथा उनके घरों को उजाड़ दिए जाने के कारण ही बंदरों को मनुष्यों की बस्तियों में आकर ऐसा करना पड़ रहा है। दूसरा है, जीवों का जीना दूभर करने वाले कौन है? हमने पाठ के माध्यम से पढ़ा था कि जीवों का जीना दूभर करने वाले मनुष्य हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जीव कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? हम सभी जानते हैं कि 4 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व जीव कल्याण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में कौन मदद करते हैं? इसका उत्तर है, प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में जीव जंतु मदद करते हैं। यहाँ पर अब मौखिक प्रश्न है जिनके उत्तर भी सामने दिए गए हैं। डोडो के बारे में पत्र में क्या बताया गया है तथा वह कैसा था? डोडो एक पक्षी था, वह कबूतरों की बिरादरी से था तथा बत्तख से भी बड़ा और भारी, वह उड़ नहीं सकता था। डोडो पक्षी मॉरिशियस तथा हिंद महासागर के तमाम द्वीपों पर बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन 1507 में वहां पुर्तगाली लोगों के पहुंचने के बाद
वह अंधाधुंध शिकार के परिणाम स्वरूप वे सन 1681 में पूरी तरह विलुप्त हो गए। दोबारा वही प्रश्न है जो अभी हमने लिखित में पढ़ा था कि विश्व जीव कल्याण दिवस कब और क्यों मनाया जाता है। तो इसका उत्तर वही है कि 4 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व जीव कल्याण दिवस मनाया जाता है ताकि विश्व के जीव जंतुओं के साथ लगातार हो रहे क्रूरता के व्यवहार की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया जा सके। अगला प्रश्न है, वन्य प्राणियों का जीवन संकट में क्यों है? इसका उत्तर है, जैसे हमने पाठ में पढ़ा पाठ के माध्यम से, कि मनुष्यों द्वारा वन्य प्राणियों के साथ लगातार क्रूरता का व्यवहार करने तथा उनका वध करने के कारण उनका जीवन संकट में है।